हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि चल रहा हम लोगों का फोटोशॉप सीसी का बेसिक सीरीज, और आज की इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फिल्टर ऑप्शन के अंदर मौजूद नॉइस ऑप्शन के बारे में, जो एक काफी जगह यूज होता है अगर आप कहीं पर भी आउटडोर इमेज वगैरह खींचते हैं या फिर इनडोर वगैरह खींचते हैं जहां पर लाइट कम होने की वजह से नॉइस ज्यादा आ जाता है, या फिर कोई भी इमेज में अगर नॉइस भी अगर आप चाहते हैं तो वो आप कैसे नॉइस ऐड कर सकते हैं और कैसे आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं फोटोशॉप पे और देखते हैं नॉइस ऑप्शन के बारे में। तो यहां पर एक डायरेक्ट खींची हुई इमेज आपके सामने ओपन कर रखा हूं मैं एक फोटोशॉप के अंदर, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर हम इसको जूम करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये जो डॉट्स वगैरह इस तरीके का जो बन रहा है यही नॉइस है। इस नॉइस को हम अगर कहीं किसी इमेज पर ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कैसे करेंगे और रिड्यूस कैसे करेंगे। कई बार लाइट कम रहती है तो ये डॉट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस टाइप के नॉइस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, जो इमेज हमें सही नहीं दिखती। तो इस टाइप के हम नॉइस को बहुत इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फिल्टर ऑप्शन के अंदर और देखते हैं नॉइस ऑप्शन के बारे में। आइए, आप देख सकते हैं यहां पर नॉइस ऑप्शन है, और इसके अंदर कुछ और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, यानी कि यहां पर पांच ऑप्शंस मिलते हैं। पांचों ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड नॉइस के बारे में। तो जैसे ही आप ऐड नॉइस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से जो है ये ओपन होता है ऐड नॉइस ऑप्शंस के लिए, यहां पर ऐड करने के लिए। चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, यूनिफॉर्म और नीचे गजियन, ये दो टाइप्स मिल जाते हैं आपको जिनके माध्यम से आप नॉइस ऐड कर सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म में करना है या फिर गजियन में करना है। अगर गजियन में करते हैं तो इसके अंदर व्हाइटनेस ज्यादा मिक्सअप होगा, और यूनिफॉर्म में करते हैं तो ये कलर को लेकर के जो है नॉइस ऐड करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये नॉइस इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर कहीं कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें जो है नॉइस ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो अगर नॉइस ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है ये मोनोक्रोमेटिक ऑप्शन है, इसको अगर आप जो है चेक करके अगर आप नॉइस बढ़ाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जो है नॉइस को बढ़ाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये फुल्ली कलर के अंदर इस तरीके से जो है नॉइस को ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप जो है इस ऑप्शन से किसी भी इमेज के अंदर नॉइस ऐड कर सकते हैं। चूंकि हमें नॉइस ऐड नहीं करना है, नॉइस को रिमूव करना है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और उसके अगले ऑप्शंस को देखते हैं। उससे अगला जो ऑप्शन है ये डिस्पेक्कल है। डिस्पेक्कल पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी जो है एज को बरकरार रखते हुए, यानी कि जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, एज जो होती है, जो लाइनिंग्स बनी होती है, यानी कि जहां से इमेज का मूवमेंट होता है वहां पर एक लाइन मिलती है या दो लाइन मिलती है, तो जो एज होता है इसको एज को बरकरार रखते हुए ये जो होता है नॉइस को रिड्यूस करता है, मिक्सअप करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने इस पर अप्लाई किया है, हम कंट्रोल जेड करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, हम फिर कंट्रोल जेड करते हैं तो आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा। इसका इफेक्ट जो है आपको एचडी में नजर आएगा। अगर आप एचडी में वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एचडी में कर लें, ताकि इसका इफेक्ट जो है आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए। अगर एचडी में वीडियो नहीं चल रही है तो इसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, और इसको अगर बार बार आप अप्लाई करते हैं तो वो बढ़ता हुआ चलेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यहां से आप जो भी फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करेंगे उसको अगर बार बार लेना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो आप यहां से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ यूज कर सकते हैं। तो हम अगर दोबारा से इसको हम अप्लाई करते हैं, इस पर क्लिक किया तो ये और प्लस हुआ एक बार और हम कंट्रोल एफ प्रेस करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं वही चीज़ अप्लाई होती चली जाएगी। हम कंट्रोल अल्टर के साथ जेड करते हैं, वापस जो है पुरानी कंडीशंस में आते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद जो है डस्ट स्क्रेचेस वगैरह, इसका यूज हम वहां पर बहुत ही ज्यादा करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप स्कैनर से कोई भी इमेज वगैरह जब आप स्कैन करते हैं और जब स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तो उस पर काफी डस्ट सा दिखता है। क्योंकि डस्ट वो होता नहीं है, लेकिन काफी डस्ट सा नजर आता है, या कोई पुरानी इमेजेस वगैरह है तो उसमें आपको डस्ट सा दिखेगा काफी सारा। तो वो जो है उस टाइप के डस्ट को, यानी कि प्रॉपर कोई कलर इमेज है तो उस पर व्हाइट व्हाइट सा करके काफी सारा डस्ट नजर आता है, या फिर कोई हल्की फुल्की स्क्रेचेज वगैरह नजर आती है, तो वो सारी चीजें हटाने के लिए हम यहां से डस्ट एंड स्क्रेचेस को
यूज करते हैं और यहां से हम उस डस्ट को हटाते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी हमने जब इसको अप्लाई किया तो इस पर किस तरीके से अप्लाई हुआ, चूंकि ये स्कैंड इमेज नहीं है लेकिन फिर भी इस पर जो है इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो रिड्यूस में 1 करेंगे, अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा। तो ये एक्चुअली कम ही पर रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा हो गया, हमने 5 पे करके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 1 या 2 पर ही रखा जाता है ज्यादातर, और उसी के अंदर जो है हमारे डस्ट वगैरह जो है डिक्रीज हो जाते हैं। और उसके नीचे थ्रेड्स, थ्रेशोल्ड्स, आप इसमें भी 1 या 2 ही रख करके आप देखेंगे जितना की रिक्वायरमेंट आपकी इमेज मांग रही है। तो आपके हिसाब से जितना पर ये परफेक्ट आपको दिख रहा है उतना पर अप्लाई करके आप इसको छोड़ देंगे। चूंकि यहां पर डस्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शंस को समझना था, इसलिए हम इसे कैंसिल करते हैं और अगले ऑप्शंस को समझते हैं। इससे आगे जो है वो है मेडियन। मेडियन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये मिक्सअप करता है व्हाइटनेस से, व्हाइट पिक्सल से मिक्स करता है इमेज को, और मिक्स करके जो है किसी भी प्रकार का जो नॉइसेस वगैरह है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली इमेज पे कई तरीके से नॉइस आता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेहतर काम होगा, बेहतर वर्क करेगा कौन से इमेज पर, वो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखना होता है, तब हमें समझ में आता है ताकि किस टाइप का इमेज है तो हमारा कौन सा ऑप्शन उस पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हमें यूज करके देखना होता है। तो अगर हमें कोई ब्लैक इमेज है, ब्लैक टाइप का इमेज है, अंधेरे में खींची हुई है और उसके अंदर नॉइस है, तो हम यहां पर मेडियन का जो है यूज करके हम वहां पर नॉइस को रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर 1 या फिर 2 करके जो है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वो रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पर भी हमें ज्यादा मात्रा नहीं रखनी होती है, हम वहां पर जो है कम से कम रखते हैं। और कई जगह पर जो है हमें पेंटिंग आर्ट का अगर कोई जो है प्रोसेस करना है, पेंटिंग आर्ट की तरह दिखाना है किसी भी इमेज को, तो हम वहां पर जो है इसका ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फूल पत्ते वगैरह है, हम चाहते हैं कि उसको पेंटिंग आर्ट में बनाना, तो वहां पर हम इसका यूज कर पाते हैं, तो बिल्कुल पेंटिंग की तरह नजर आता है। और उसके बाद जो हम इसको, चूंकि ऐसा कोई हमें यूज यहां पर नहीं है, हमें ऑप्शन को समझना था तो ऑप्शन समझ में आया, अब हम अगला ऑप्शन इसका देखते हैं। इससे अगला जो ऑप्शन है काफी बेहतरीन ऑप्शन है, वो है रिड्यूस नॉइस का। इससे हम नॉइस को रिड्यूस करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं यहां पर रिड्यूस करने के लिए। तो यहां पर जो है आप यहां से स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करेंगे तो वो स्ट्रेंथ जो है कम ज्यादा होगा, यानी कि जो नॉइस का एक नॉइस से दूसरे नॉइस का जो डॉट्स बनेगा उसका स्ट्रेंथ कम ज्यादा होता है इससे। तो इस तरीके से आप इसे मेंटेन कर पाएंगे। और उसके नीचे जो है प्रिजर्व डिटेल्स, ये जो है डिटेल्स मेंटेन करने के लिए है कि कितना डिटेल्स जो है इमेज की रखनी है, ये इमेज पे डिपेंड करेगा कि इमेज किस टाइप की है, वो आप उसके हिसाब से इसको मैनेज कर पाएंगे। उसके नीचे जो है रिड्यूस कलर नॉइस, तो कलर में अगर नॉइसेज आ रहा है, जैसे अगर कोई भी कलर इमेज है उसको बढ़ाएंगे तो उसके अंदर नॉइस जो होती है काफी कलरफुल होती है, हर कलर की नॉइसेज नजर आएगी आपको, तो वो कलर नॉइस जो है आप यहां से रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह कम ज्यादा करेंगे तो कलर नॉइस कम होगा, जब आप जूम करके देखेंगे किसी भी इमेज को तो उस पर जो है ये नजर आने वाला है। और उसके नीचे जो है वो है शार्पन डिटेल्स, शार्पन कितना चाहिए डिटेल्स वो जो है इससे यहां से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका नॉइस रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन, यहां से आप किसी भी प्रकार के इमेज में अगर नॉइस ज्यादा है तो आप यहां से जो है आप यूज करके जो है आप यहां से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक था, बेसिक से ही हमारा काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको और भी चाहिए ऑप्शन तो आप यहां से एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहां से कुछ ऑप्शंस और आपको मिल जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पर चैनल, यहां से कलर वाइज जो है आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे रेड ग्रीन ब्लू। तो यहां से एडवांस में, यानी कि एडवांस में आने के बाद यहां से जो है किसी कलर का अगर जो है नॉइस आपको दिख रहा है तो वो उस कलर का प्रॉपर नॉइस, प्रॉपर किसी भी एक कलर का अगर नॉइस ज्यादा दिख रहा है तो वो कलर का नॉइस आप यहां से आकर के आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन होता है, मैक्सिमम तो जो है बेसिक से ही हमारा काम चल जाता है और बाकी आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ऑप्शन आप यूज करके आप कोई भी जो है नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्टर का ये नॉइस ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।